अगर कोई भी सरकारी कंपनियां, सरकारी डिपार्टमेंट फायदे में है, प्रॉफिट में है, तो सरकार उसे बेच क्यों रही है? और अगर कोई सरकारी कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट नुकसान में चल रहा है तो प्राइवेट कंपनियां उसे खरीद क्यों रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी भी नहीं मिलता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐतिहासिक विरासतें होती हैं, उन पर आप ये बहाना नहीं बना सकते कि इसको मेंटेन करने का खर्चा हमें ज्यादा आ रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं। अभी पीछे ही सरकार ने खर्चा कम करने के लिए अग्निवीर लेकर आए और उसी दौरान पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और एकमात्र घुड़सवार सेना को खत्म कर दिया क्योंकि उस पर खर्चा ज्यादा हो रहा था। ये एक ऐतिहासिक विरासत थी जो हमारे पास बची हुई थी पूरी दुनिया में, उसे खत्म कर दिया गया। और अब वहीं दूसरी ओर कभी दिल्ली राजधानी की शान रहे अशोक होटल, जो फाइव स्टार होटल था, भारत का पहला सरकारी फाइव स्टार होटल था, उसे बेचने की तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। सरकार ये कह रही है कि हम इसे 60 साल के पट्टे पर देंगे। लगभग 13 एकड़ में फैला ये अशोक होटल एक ऐतिहासिक विरासत के तौर पर है। 1960 में जब यूनेस्को का सम्मेलन हो रहा था, उसकी एक मीटिंग थी भारत में, तो नेहरू ने उस समय अशोक होटल को बनवाया था और उस समय 1960s में इसको बनवाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगे थे। देश नया नया आजाद हुआ था और आजाद होने के साथ ही जो विरासतों के राजा थे उन्होंने उस समय 10 से 20 लाख तक का योगदान अशोक होटल को बनवाने में दिया था। उस समय भी और अब भी ये एक ऐतिहासिक विरासत है जो भारत के पास है, लेकिन अब इसे बेचने की तैयारी पूरी हो गई है। और जैसे सरकारी बैंक, कंपनियां, बिजली, उसके बाद सारी एयरलाइंस वगैरह सबकी बात चल रही है, तो इसका भी नंबर आ ही गया। इसकी 13 एकड़ जमीन में से 6 एकड़ से ज्यादा जमीन को सरकार अलग से बेचेगी, उस पर पीपीपी मॉडल के तहत अपार्टमेंट्स बनेंगे, बैंकेट्स खुलेंगे और इस तरीके की सुविधाएं सरकार कह रही है वो देगी। मतलब एक तरीके से उस जमीन को तो पूरा ही बेच दिया जाएगा और जो अशोक होटल का कॉम्प्लेक्स है उसे भी 60 साल के पट्टे पर। अब अभी जो इस होटल का कॉम्प्लेक्स है उसको ITDC मेंटेन करती है, जो एक भारत की सरकार, मतलब आप कह लीजिए सरकार ही इसको मेंटेन करती है, लेकिन अब ये किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों चला जाएगा। महंगा तो होगा ही होगा, दूसरी ओर उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। खैर छोड़िए, जब बैंकों का नंबर आ गया, जब सरकारी कंपनियों का नंबर आ गया, जब बिजली विभाग का नंबर आ गया, सभी का नंबर आ रहा है, तो बेचारा अशोक होटल कब तक बचता। लेकिन फिर भी हमारा तो कहना इतना ही है, कुछ चीजें संजो कर रखनी चाहिए ताकि आप आने वाले भविष्य में कम से कम कुछ तो आपके पास दिखाने के लिए कि ये भारत देश का है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।